तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मुझे यकीन नहीं रेहान, अगर ये तुम उस असलान यहाँ बचा वो नहीं है, असल मसला हम है। हम कहते हैं कि हमारा प्यार अजीम है और हम अलग नहीं हो सकते, और वही एक छोटा सा झगड़ा हम दोनों को अलग कर देता है। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम, जाना चाहती हो क्या? मजबूर कुछ अरसा अलग रह के देखना चाहिए, शायद ऐसे ही हमें अकल आ जाए। दोबारा यहां मत आना, मुझसे मिलने तो बिल्कुल नहीं। वादा किया था ना तुमने, वादा लफ्जों में नहीं चाहिए, अमल भी चाहिए। मैं लोगों को तुम्हें मुझसे जुदा नहीं करने दूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं सबको खत्म कर दूंगा, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। रेहान, नामुमकिन। हमने अपनी मर्जी से तलाक ली है, उसके लिए प्यार अब भी मेरे दिल में मौजूद है, जो कभी भी मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। खिजर और शादलो खानदान से बदला लेने की आखिर असल वजह क्या है? हर एक के रास्ते की मंजिल तुम ही है ना रिया? अब तुम क्या करोगी अजीजी? जिस रास्ते पे मीरान को कुर्बान किया, क्या एक और पोते को उस पे कुर्बान करोगी, या फिर रियान? इसी तरह मीरान भी तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। गोनल, अच्छा तो तुम हो, मीरान कहाँ है? क्यों पूछ रही हो? वो अभी तक रियान के पीछे है। रियान को तलाक दे दी, लेकिन मीरान अभी तक रियान के पीछे है। नहीं जानता। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्या सोच रहे हो जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मीरान से बात करूंगी। मेरा मतलब है, तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर जरा से भी उम्मीद बाकी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, हार नहीं मानूंगी। प्लीज गोनल, समझने की कोशिश करो। अब मीरान किसी दूसरी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकता। यही हाल मेरा है फिरात। ठीक है, जानता हूं तुमने बचपन से ही मीरान को देखा है। गोनल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी आ सकता है? तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं, मीरान की भी नहीं। फिरात, तुम्हें भाई समझती हूँ अपना। तुम्हारा मशवरा कीमती है, लेकिन अपना मशवरा अपने पास रखो। अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। अपने ही घर में खुशामदीद बेटी, बहुत अच्छा फैसला किया। जब मेरी छत के नीचे होती हो तो मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। ये छत आपकी नहीं, मेरे बाबा की है। मैं अपने बाबा के घर वापस आई हूँ। जो तुम्हें सही लगे। अभी तक मुझे समझ नहीं पाई ना, आपको लगता है मैं नाकारा हूँ? आपको लगता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं भूली,
ना तो कफन, ना ही आपके नंगे पांव और ना वो गार्ड्स जिन्होंने हमारा रास्ता रोका। गोनल, हमेशा की तरह आप मुझे अब भी अहमियत नहीं दे रही। कोई बात नहीं, मैं आपके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं सुनना चाहती, बल्कि किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। क्योंकि जब भी कोई कुछ कहता है, या तो मुझसे ताल्लुक तोड़ लेता है या मुझे खामोश करा देता है। मैं आपकी तरह इस तरह की कोई चाल नहीं चलूंगी दादी जान। आज से हर चीज की जिम्मेदार आप होंगी अजीज असलान बे। मीरान और हर वो चीज आपसे छीन लूंगी जिस पर सिर्फ मेरा हक है। Yoksun umurumda bile değil, başucumda resmin hala duruyor. Yoksun defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünle, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünle, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Yoksun umurumda bile değil, dudağımda adın şiir oluyor. Yoksun ezberimdeki sevdan hiç çok ummadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Varsın böyle geçsin yalancı günle, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda gülle, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazonda günler, yıkar mı sandın beni. Reyhan, खैरियत तो है? इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह बखैर आजाद भाई, सो नहीं पा रही थी तो सोचा नाश्ता बना लूं। आप इतनी जल्दी उठ गए? होटल जाना है मुझे। सो नहीं सकी तो क्या क्या बना लिया तुमने? कुछ खास नहीं, आपको चाय निकाल कर दूं? नहीं नहीं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। आजाद भाई आप थोड़ा चख तो लीजिए। ठीक है लाओ। काफी मजेदार है। प्लीज एंजॉय कीजिए,
साथ के लिए पैक कर देती हूँ, वहीं खा लीजिएगा। अगर मावी होता तो तुम इस वक्त यहां नहीं होती, अपनी मुश्किलों से फरार हासिल करने के लिए उसके साथ भाग चुकी होती। लेकिन मुश्किलें कहां जान छोड़ती हैं। चला गया वो भी, और वैसे भी इंसान जितना भी तेज भाग ले अपनी मुश्किलात से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना हरगिज नहीं था। कैफे में जो कुछ भी हुआ जानता हूं। मीरान ने फिर से अपना असली चेहरा दिखाया। रेहान देखो, आजाद भाई प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं वैसे भी अब अम्मी के पास जा रही हूं, सब ठीक हो जाएगा। रेहान देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। लेकिन मीरान के साथ तुम्हारा खुश रहना नामुमकिन है। अगर आज से पहले किसी ने यह बात ना भी सोची हो, फिर भी अब से तुम्हारी हिफाजत हमसे ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं जानती हूँ आजाद भाई। मानता हूँ तुम्हारे अंदर जंग चल रही है, तुम्हारा दिल तोड़कर उसे अपने गले से लगाना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसी ही है हमारी किस्मत, हम जिसको दिल से चाहते हैं वही नहीं मिल पाता। किस्मत इतनी बुरी नहीं थी आजाद भाई, हमने अपनी गलतियों से इसे बुरा बना दिया। इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना जरूरी है ताकि गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक कहा ना मैंने रेहान, बस तुम्हारे जाने का इंतजार है। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते रेहान, मैं किस्मत के सहारे तो हरगिज नहीं बैठूंगी। तुम्हारे उठने का इंतजार भी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे। और यही बात तुम्हें समझानी है कि हर माँ अपने बच्चे की हिफाजत खुद करती है। हाँ हेलो जहरा, कैसी हो और तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हांदान खैरियत इस टाइम कॉल की? सब ठीक तो है ना? दिल तो यही चाह रहा है कि तुमसे कहूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। माँ होने के नाते कॉल कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अगर मैं ना करती तो कोई भी जहमत नहीं करता तुम्हें बताने की। ऐसी क्या बात है? देखो जहरा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम रियान ने तलाक ले ली है। माँ होने की जिम्मेदारी पूरी करो। मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से संभाला है जहरा, और रियान की वजह से अपने बेटे को खो नहीं सकती। जहरा अब ये फैसला तुम खुद कर लो, तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम दोनों की तलाक हो गई है? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन रास्ते में वक्त जाया नहीं कर सकते। मेरे साथ आपको मिदियात चलना होगा। हम दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना था। हम चाहते थे कि आपके पास आएं और आपका हाथ चूमकर आपको बता दें। आजाद पर गोली चलाई, मजबूर था मैं। उसे जिंदा रखने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ी। हमारी तलाक नहीं हुई, मगर उन्हें लगता है कि हमने तलाक ले ली है। हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया। आपको वापस आना होगा जहरा आंटी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि रेहान की खातिर। ऐसा नहीं होगा अनीफे, नाश्ता बनाने की बारी आज तुम्हारी है, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर मत डालो, समझ आई? मलाइका मुझे लगता है तुम्हें घर के कामों पे तवज्जो देनी चाहिए बजाय मीरान और रियान को मिलाने की। तुम इन्हीं कामों में लगी रहना, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। खैर अब तो तुम्हारा फोन भी चला गया। हनीफे खामोश। रियान आज तुम जल्दी उठ गई। रियान तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? यकीन करो बेहतरीन किस्म का नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं। चलो ये तो अच्छी बात है। रियान तुम ठीक तो हो ना?
मीरान आया था कल रात छत पर ये पूछने के लिए कि क्या मैं वाकई जा रही हूँ। उसे लग रहा है कि उससे दूर होने के लिए जा रही हूँ और मैंने भी गुस्से में ऐसा ही कहा उससे। अरे रियान, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कॉल करके हकीकत बता दो। कॉल कैसे कर सकती हूँ मैं, हम दोनों के पास ही अब टेलीफोन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। फोन कैसे आएगा ये मैं जानती हूँ, तुम यहीं रुकना। मीरान। हाँ बोलो रियान। मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं अम्मी के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन बेबी की बर्थ के बाद और अपने बहन या भाई को साथ लाऊंगी। तुमसे दूर नहीं रह सकती, सोचा बता दूं। जानता हूं रियान, जानता हूं। बस इसीलिए कॉल की थी। ठीक हो ना, तुम कहाँ हो? फिलहाल घर पे नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ। मुझे फोन रखना होगा, घर वाले उठने वाले हैं। मीरान, I love you so much. I love you too, Rehan. तुम परेशान ना हो मीरान, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, देखना सब ठीक होगा। जहरा आंटी, खास यह है कि आप रियान के साथ होंगे, क्योंकि हमें शायद ये गेम मजीद खेलना होगा। अगर आप हमें बताए बगैर कुछ करेंगे तो हमारे लिए मसला हो सकता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस मसले को हम मिलकर हल करेंगे। अब अजीज असलाम बे के लिए कोई भी कुर्बानी नहीं देगा, अब कोई भी तुम्हारे और रियान के दरमियान दीवार नहीं बनेगा। महफूज, बाग में थे क्या? कौन हो तुम? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा कौन हो? आप शायद गलत पते पे आ गई हैं। मिस्टर, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। तुम दादी जान के आदमी हो। तुम्हारी दादी जान? अजीज़े असलान बे। मैं तुम्हारी दादी जान या किसी और का आदमी नहीं। वाकई में? तो फिर मीरान के साथ तुम्हारा मिलना, आजाद को उस दिन बचाना, सब कुछ इत्तेफाक था। देखें, अगर आप खुलकर बात करें तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इशारों में कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो फिर साफ साफ पूछती हूँ तुमसे। तो फिर बताओ, क्या तुम रियान को पसंद करते हो? क्योंकि अगर मैं मीरान को थोड़ा सा भी जानती हूँ तो वो या तो लड़ाई अपनी बीवी के लिए करेगा या फिर अपनी माँ के लिए, लेकिन उसकी माँ जिंदा नहीं है। अब क्या चाहती हैं मुझसे? आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझाता हूँ, मीरान से लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफियों की वजह से हुई है, ना कि रियान में दिलचस्पी की वजह से। समझ तो गई होंगी आप। मैं नहीं जानती कुछ समझ सकी हूँ या नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं जानती मैं, लेकिन मीरान को जरूर जानती हूँ। जिस तरह तुम बता रहे हो, ये लड़ाई ऐसी नहीं थी। कोई बात तो जरूर है, चाहे तुम जितना छुपाने की कोशिश कर लो। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि तुम जरूर कुछ चाहती हो। क्या वाकई? अच्छा तो बताओ। मीरान असलान पे, ठीक कहा ना? इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। अगर बात करना चाहो तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कहां रहती हूं। दादी जान काफी खतरनाक खातून है, ख्याल रखना।
पापा, काश आप समझ पाते कि जिसे आप इश्क समझती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेयान। देखा ना तुमने, इंसान के हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अब देखो मीरान भाई से बात करके तुम्हारा चेहरा खुशी से कितना खिल गया है। तुम मेरे काम में दखल क्यों देते हो? अगर तुम चाहते तो नाश्ता खुद भी बना सकते थे। आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? इसने मुझे बताए बगैर चमचों और कांटों की जगह तब्दील कर दी। जिन चीजों को मैं दाएं तरफ रखती हूँ इसने उठाकर बाएं तरफ रख दिया। अब ये काम सिखाएगा मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलाइका, मुझे टोस्ट बनाकर दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल, यहाँ ये पेटिस रखे हैं, आप ये खाएं, तब तक मैं आपके लिए टोस्ट बना देती हूँ। नहीं नहीं मलाइका, मैं ये नहीं खाऊंगा। चले कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस अभी लाए। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं मिल रही मुझे। पहले चमचों और कांटों की जगह बदल डाली और अब शहद की बरनी। आखिर कहाँ रखती शहद की बरनी? शहद की बरनी कहाँ रखी तुमने? अरे मेरी आपा, ये देखें यहाँ रखा है मैंने, आप इसे आसानी से उठा सकेंगी। शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, अभी कल ही तो आए हो तुम और आते ही मेरे किचन की हालत बदल डाली तुमने। ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे मेरी गुस्से वाली आपा, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? मैंने बता तो दिया कि शहद कहाँ रखा है, ये परिंदों की तरह कहीं उड़कर तो नहीं गया ना? ये देखें यहीं रखा है। क्या तुम जानते हो मैं कितने सालों से यहाँ हूँ? हाँ इस साल मुझे यहाँ पूरे 35 साल हो जाएंगे। मेरे काम में दखल अंदाजी हरगिज नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो कांटे और चमचे पूरे 35 सालों से उसी जगह पर रखे जाते हैं और वो शहद की बरनी भी पिछले 35 सालों से वहीं पर रखती हूँ और ये हनीफे 35 सालों से इसी घर में काम कर रही है और हमेशा यहीं काम करती रहेगी। समझ गए? देखो हनीफे ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। अरे आप तो बैठे, मैं आपको टोस्ट बनाकर देती हूँ। नहीं नहीं मलाइका, रहने दो तुम, बेहतर यही कि मैं भी बाहर बैठकर सबके साथ नाश्ता कर लूं। क्या किया? हेलो, एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए कॉल की है। हाँ कहो। क्या कहा? हनीफे उस घर में 35 साल से काम कर रही है, तुम्हें यकीन है? ठीक है, ये सब कैसे है? मेरी दादी जान बाकी सब लोगों की तरह नहीं है महफूज। तुम जानते हो कि उन्होंने ना ही सिर्फ 29 साल तक अपनी ही बहन से बदला लिया, बल्कि वो ऐसी जालिम खातून है महफूज जिन्होंने पतले के खातिर अपने ही पोते को अपने ही घर से दूर रखा। इसका मतलब है कि हनीफे का मकसद कुछ और था, यानी अपनी मर्जी से 29 साल वहां गुजारे। लेकिन मैं, मुझसे तो किसी ने भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने 29 साल तक अपनी माँ और बहन की जुदाई बर्दाश्त की और मेरी लम्हा बा लम्हा अपनी बहन और माँ की जुदाई की वजह से अजीज असलान पे से नफरत बढ़ती चली गई। जो खातून अपने पोते के साथ ऐसा करे, अपनी ही बहन को नौकर बना दे, उसी खातून से बदला लेने के लिए मैं इस शहर में आया हूं। दादी जान के सारे राज हनीफे खातून जरूर जानती होंगी। तभी मैं आपको अपने साथ यहां लाया हूं। हमारा मकसद सिर्फ उन्हें ढूंढना नहीं है, बल्कि असल मकसद तो कुछ और ही है। हमें मिदियात जाके रहना होगा। आप बाहर रहकर मेरे असिस्टेंट और हारून घर के अंदर। मैं सिर्फ उन 29 सालों के बारे में जानना नहीं चाहता, बल्कि मैं दादी जान से सबको इंसाफ दिलवाना चाहता हूं। तुम सही थे, तुम्हारी दादी जान का इंतकाम सिर्फ उस रात के लिए नहीं है
इस ड्रामे के पीछे क्या हकीकत है ये जानना बहुत जरूरी है। अरुण ने बहुत अहम बात बताई है मुझे। हनीफे खातून शादोलो खानदान में सिर्फ 29 सालों से वहां नहीं बल्कि 35 साल से उसी घर में काम कर रही हैं। आपको यकीन है इस बात का? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। खिजर शादोलो 1992 में आर्मी में भर्ती हुए। मेरे चाचा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके आर्मी में से वापस आने के बाद हुआ है। अगर हनीफे 6 साल पहले उस घर में दाखिल हुई तो खिजर शादोलो उस वक्त 14 साल का एक बच्चा था, बल्कि वो तो उस वक्त दिलशा से भी नहीं मिला होगा। आखिर दादी जान चाहती क्या है? आपका बदला खिजर से नहीं है तो फिर किससे? इस बारे में वो नहीं जानती होंगी, अगर पता होता तो हमें जरूर बताती। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ हमें उस रात के बारे में बताया था। इसका मतलब है कि खिजर बेगुनाह है और मेहमत के चचा को उसने नहीं मारा, और उससे पहले क्या हुआ ये सिर्फ दादी जान और हनीफे जानती हैं। हनीफे ने हमें इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब है अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वफादार कौन रहेगा। असलम कहां जा रहे हो? शादोलो के घर पे हनीफे से बात करने के लिए, और हारून को फोन करके बताएंगे मैं आ रहा हूं, वो मेरा इंतजार करे। आप रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूं। मीरान, तुम बस मेरा यही इंतजार करो, मैं रेहान को लेकर आई। आंटी, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि रेहान को मुझसे दूर ना कर दे वो, और रेहान यहाँ अकेली है, उसे आपका साथ मिल जाए, बस आपको बस उसके साथ रहना है, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिएगा। मीरान, कुछ बातें तुम नहीं जानते। रेहान, खिजर अंकल की सगी बेटी नहीं है। सब कुछ जानता हूं जहरा आंटी, मगर आपको नहीं बता सकता, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता। मीरान खिजर और दिलशा का बेटा है। तुम बस थोड़ा सबर करो, मैं अभी है, मेरा इंतजार करना। जहरा आंटी, कॉफी पी रहे? हाँ, क्या तुमने कॉफी नहीं पी? नहीं, मंगवाता हूं अभी। रेयान, यहां आओ। आज शाम मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, गुल को भी तैयार कर लो।